Hello, my name is Nikita Parmar. I'm a yoga therapist at Reset. Today we're going to talk about and demonstrate some yoga asanas which are really beneficial to manage diabetes. So let's get started. Trikonasan. पांव एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों में 2 से 3 फीट का फासला रखें और अपनी बाहों को कंधों तक फैला दें। अब इसी पोजीशन में धीरे धीरे बाईं तरफ झुक जाएं। उंगलियों से जमीन को छूने की कोशिश करें और अपनी नजरें छत की तरफ ही रहने दें। अब अपना दाहिना हाथ नीचे लेते हुए इस तरह पीछे मुड़कर इस पोजीशन में आ जाएं। अपनी उंगलियों से जमीन को छूने की कोशिश करें। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करें। आखिर में सामान्य पोजीशन में आ जाएं। पवन मुक्तासन। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब सांस लेते हुए घुटनों को मोड़ें और छाती की तरफ लाएं। इसके बाद अपना सिर जमीन से उठाकर नाक को घुटने से छूने की कोशिश करें। अब अपने दोनों हाथों से घुटने को ऊपर से पकड़ें। आखिर में सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलीज करें और शरीर को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएं। अर्धमत्स्येन्द्रासन। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह फैलाएं। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी गुदा द्वार के नीचे जमाएं। अब बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाएं पैर की जांग से ऊपर ले जाते हुए जमीन पर रख दें। अब दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के बगल में दबाते हुए बाएं पैर के निचले हिस्से को पकड़ लें। करीब 20 से 40 सेकंड इसी पोजीशन में बने रहें। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य पोजीशन में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरी साइड पर भी दोहराएं। These asanas are really simple to do. If done regularly, they will definitely bring positive results into your life. If you like the video, please like, share, or comment on the video and subscribe to Har Zindagi YouTube channel.